हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 काउंसलिंग प्रोसेस में फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग और आगे की काउंसलिंग प्रोसेस में आपका बदलाव किया गया है। दोस्तों, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन का आ चुका है। आप यहाँ पर जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर काउंसलिंग 2020 और आप नीचे भी देख सकते हैं रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल 2020। अगर दोस्त आप यहाँ पर इस चीज़ को डाउनलोड करके पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे तो इसमें दोस्त आप यहाँ पर नाइन्थ राउंड, मतलब अभी तक एट राउंड तक आपकी लास्ट काउंसलिंग थी, अब नाइन राउंड तक इसको कर दिया गया। तो कैसे आपको इसको डाउनलोड, पहले तो सिंपली आपको gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। अभी मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, वो आपका पिछला PDF था जिसमें आपके एट राउंड थे। मैं एक मिनट आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपका पहला PDF है जो कि आपको पहले आया था कि आपको एट राउंड तक आपका, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप ध्यान से देखिए छठे से एट राउंड तक जो कि अंतिम चरण है। लेकिन अब जो आपका रिवाइज आया है उसमें नाइन राउंड जो आपका नौवां है, नौवें को अंतिम चरण बताया गया है और जिसमें सारा प्रोसेस आपसे डेट भी आगे बढ़ाया गया है, उसको मेंशन किया गया है। तो इसको आपको PDF को देखना ध्यान से जरूरी है। देखिए, ये आपका पुराना है, आप इसको देख पा रहे हैं। मैं एक मिनट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 17 से 20 तारीख का ये अपडेट है। ठीक है, 17 से 20 आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी चीज़ें आपको और फीस जमा करना प्रोसेस था 20 अक्टूबर तक। ठीक है, लेकिन अब जो रिवाइज्ड है मैं उसको आपको PDF दिखाता हूँ, फिर आपको कैसे डाउनलोड करना है ये चीज़ में भी मेंशन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए सिग्नेचर जो यहाँ पर हुआ है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर आप क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा, 17 अक्टूबर अर्थात 17-10 को ये ऑफिशियल ये नोटिस को अपडेट किया गया। और इसमें आप यहाँ पर थर्ड राउंड की, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, अभी आपको हमने एक मिनट मैं आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, तो पीयूष यादव करके कमेंट था उसका, स्टूडेंट का। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आप अपडेट रहेंगे, उसको थैंक्स डियर को, इस प्रकार से अपडेट रहेंगे तो सारी चीज़ों को आप समझते चलेंगे। देखिए अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 18 से 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सारी फीस को आपको जमा करना, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया 18 से 21 अक्टूबर। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 18 से 20 तारीख है। ठीक है, 20 शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थर्ड राउंड का करा लेना है। और जो 18 से 21 अक्टूबर है ये आपको दोपहर 2 बजे तक अपना फीस, जो टोटल फीस है वो आपको जमा कर देना है। देखिए इसी प्रकार से यहां पर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का यहां प्रोसेस बताया गया। अभी मैंने पिछला वीडियो बताया था दोस्तों, उसमें ये चीज था कि आपका जो पिछला PDF था उससे रिलेटेड उसमें बताया गया था, लेकिन जो आपका रिवाइज्ड आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आया है उसके मद्देनजर यहां पर पूरा प्रोसेस आपका चेंज है। अब आपका जो यहां पर न्यू कैंडिडेट है, देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले पाएंगे। एक मिनट में एक चीज और आपको दिखा देता हूं। देखिए आप अंतिम चरण जो है यहां पर आप देख पाएंगे, देखिए यहां पर लिखा है नौवां चरण, तो इसका मतलब अब आपका जितने चरण है दोस्तों अब नाइन राउंड तक होंगे। यहां पर भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वन मिनट दोस्त मैं क्लियर करता हूं आपको। देखिए यहाँ पर छठे से नौवें चरण और अंतिम चरण, और पिछला PDF जो था जो आपका पहला था उसमें दोस्त यही था कि आपका आठवां चरण अंतिम चरण था, लेकिन अब नौ चरण तक यहाँ पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ये चीज़ बदलाव किया गया। और यहाँ पर डेट में भी आपका, सिंपल सी बात है, डेट में भी आपका बदलाव होगा, तो डेट में भी बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर अब अगर हम फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट भाग लेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक आपने भाग लिया, लेकिन आपकी थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला या मिला तो आपने प्रवेश नहीं लिया, तो आप इस फोर्थ फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में आगे भाग ले सकेंगे। ओके, समझिएगा। और आगे ये चीज यहां पर मेंशन किया गया दोस्तों कि या फिर देखिए दो चीज है, या फिर अगर आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एंट्रेंस एग्जाम दिया उसमें आप फेल हैं या फिर पास हैं, मतलब उत्तीर्ण हैं या अनुत्तीर्ण हैं, या फिर अदर स्टेट से हैं, ठीक है, मतलब यूपी से छोड़कर अदर स्टेट है, बिहार से हैं या किसी स्टेट से हैं, तो अगर आप मतलब फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक
एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फॉर्म आपने अप्लाई किया था और एग्जाम दिया था, लेकिन आपका मतलब आप फेल हैं, या फिर आपने पास किया, या फिर आप तृतीय चरण की काउंसलिंग तक आपने भाग लिया लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, अर्थात या फिर आपने प्रवेश नहीं लिया, तो आप फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग तक भाग ले सकते हैं, या फिर आप अदर स्टेट से हैं तब भी इस काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह बताया गया इन दोनों चरणों में केवल 10-10 विकल्प भर सकते हैं, अर्थात टोटल आप अभी था कि आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप अनलिमिटेड भर सकते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि 10 या 20 या फिक्स नहीं था, 30 40 50 कितने भी कॉलेज आप फिलअप कर सकते थे, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ दोनों ये राउंड में, ये फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में आपके 10 ही विकल्प आप भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी आपको यहां पर इस चीज को समझना है कि जितने भी कॉलेज है इसमें जो कॉलेज आपको चाहिए उसको सबसे ऊपर आपको वरीयता देना है, उसके बाद फिर दूसरे को जो आप चाहते उसको इसी प्रकार से मतलब एक लेवल या फिर एक स्तर के हिसाब से रखिएगा, जिससे एक वरीयता के क्रम में आप रखेंगे, जिससे वो जब आपको कॉलेज वहां पर आपके आपकी रैंक और उस कॉलेज की रैंक को मिलाया जाएगा जिससे वो सीट आपको मिल सके। अगर आप जो कॉलेज चाहते उसको 10वें नंबर पर रखेंगे तो आपको उससे बेकार जो कॉलेज है या फिर कह सकते हैं जिसे आप नहीं चाहते वो कॉलेज आपको दे दिया जाएगा। तो जो चाहते हैं उसको आप ऊपर रखिए, फिर उसी हिसाब से चुनते आइए, 10 कॉलेज आप 10 चॉइस कर सकते हैं, इस चीज का यहां पर बता दिया गया है। अभ्यर्थी को सीट आवंटन पर प्रवेश लेना अनिवार्य है। मेरे दोस्त, अगर आपको फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है तो आपको वो सीट लेना अनिवार्य है, अर्थात आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंतिम चरण तक की काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अर्थात आपकी फोर्थ के बाद अगर आपका फोर्थ या फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है लेकिन आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको लास्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप किसी भी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। और यह भी यहां पर बता दिया गया, अतः अभ्यर्थी अपने विकल्प वही विकल्प वरीयता क्रम से भरे जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक है, अर्थात जिसमें आप कॉलेज में इच्छुक हैं, आप अपनी रैंक और कॉलेज को देखते हुए अगर आप उन कॉलेज को वरीयता क्रम में रखते हैं तो आपको कॉलेज मिलेंगे, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए था तब भी मिला है, तो उसी हिसाब से आप फिलअप करें जिससे वो कॉलेज आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे बता दिया गया कि 23 अक्टूबर से आप काउंसलिंग प्रोसेस होगा फोर्थ राउंड का, 23 से 24 के बीच आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया कि आपकी जो फीस है वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फीस केवल एक बार आपको 250 रुपये देनी होती है। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड किसी भी राउंड में भाग ले लिया लेकिन कॉलेज नहीं मिला तो अब उनकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस उसी स्टूडेंट की लगेगी जो फोर्थ राउंड में न्यू कैंडिडेट है, उन्हीं की रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये जमा होगी। ठीक है, बार बार आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ही ली जाएगी, इस चीज का आप ध्यान दीजिए। 23 से 24 अक्टूबर के बीच चॉइस फिलिंग लॉकिंग है, सीट आवंटन आपको 25 तारीख को, सीट कौन सा आपको कॉलेज कौन सा मिला फोर्थ राउंड के अंतर्गत ये आपको पता चलेगा 25 अक्टूबर को। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 से 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आपको करा ही लेना है। देखिए जो डेट है उसके अंतर्गत कराएंगे तभी आप है, नहीं तो अगर उसके बाद कराने जाते तो 100% सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। अब ये रिवाइज्ड जो है कैसे डाउनलोड होगा मैं थोड़ा आपको मेंशन करूंगा, लेकिन प्लीज वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे सारी चीजें आप समझ सकें। सीट आवंटन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद जो टोटल आपकी सीमा शुल्क है वो आप 26 से 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक आपको टोटल फीस अपनी जमा कर देना है जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत स्टूडेंट होंगे। अगर हम फिफ्थ राउंड की बात करें तो ये 30 अक्टूबर से ये प्रोसेस चलेगा फिफ्थ राउंड का, और इसमें नए अभ्यर्थी इस चीज का ध्यान दीजिए, या फिर आप फिफ्थ राउंड में न्यू कैंडिडेट हैं तब आपकी 250 रुपये लगेगी, अगर आपने फोर्थ राउंड में आए हैं तब भी आपकी कोई शुल्क नहीं लगेगी। कुल मिलाकर आपको 250 रुपये आपकी जो है एक बार लगना है, रजिस्ट्रेशन बार बार आपको नहीं लगना है। और यहां पर बताया गया कि 30 से 31 अक्टूबर के बीच आप सभी के यहां पर क्या होगा दोस्त, आप सभी का काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्त च्वाइस फिलिंग भी आपका 30 से 31 अक्टूबर के बीच हो जाएगा फिफ्थ राउंड के अंतर्गत, सीट आवंटन आपको 1 तारीख को पता चल जाएगा कि हमें फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत कौन सा कॉलेज वहां पर मिला है। चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर ये है कि सीट आवंटित अभ्यर्थी द्वारा हेल्प सेंटर अथवा सहायता केंद्र आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसको हेल्प सेंटर बनाया गया है वहीं पर जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 से 3 यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से 3 शाम 5 बजे तक आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, जो भी यहां पर कॉलेज आपको मिलेगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर 1 से 3 तारीख के बीच शाम 5 बजे तक करा सकेंगे।
चलिए नेक्स्ट, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात आपको 1 से 4 मतलब 4 अक्टूबर को, 4 नवंबर का प्रोसेस चल रहा है, ये 11वां महीना चल रहा था, नवंबर में अब आ चुके हैं, और नवंबर में 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग है, उसका जो टोटल फीस है वो ऑनलाइन प्रोसेस से आपको जमा कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपका नहीं करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपकी सीट वो निरस्त हो जाएगी। और ये चीज़ आपसे बता दिया गया कि अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ पर बता दिया गया कि अगर अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंतिम चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। अर्थात अगर आपको फोर्थ या फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज मिलता है तो आपको उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य है, अन्यथा आप आगे की काउंसलिंग नहीं करा सकेंगे। जिनको नहीं मिला है, जिनको नहीं मिलेगा आगे फोर्थ फिफ्थ राउंड में, वो आगे की काउंसलिंग भाग ले सकेंगे, अन्यथा यहाँ पर कॉलेज मिलता है और आप एडमिशन नहीं लेते तो आपका आगे ही प्रोसेस में भाग नहीं से। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ, एक मिनट आप रुकिएगा, मैं थोड़ा पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय आप gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसी प्रकार आपको गूगल पर सर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, आपको सर्च करना है gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी को आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे इस प्रकार इंटरफेस होगा, आप इसको डेस्कटॉप साइट में करने के लिए इस पॉइंट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है डेस्कटॉप साइट, इसी पर आप इसको टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइड में आप यहाँ पर देख लीजिए, साइड में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग 2020, आप इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ सकते हैं जो रिवाइज्ड हुआ है, और रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल 2020 का आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस और विड्रा फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस, ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इसको डाउनलोड करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया वही सब इस नोटिस में या चीज़ मेंशन किया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एंट्रेंस के छात्र हैं, आगे की सेमेस्टर क्लासेस चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, आगे की फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।